आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। क्वेश्चन है कार्बन फ्री रेडिकल्स आर हमें बताना है कि कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या इनमें से क्या होते हैं डायमेग्नेटिकेग्नेटिकोमैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पेयर्ड होंगे और ये वीकली वीकली दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिनोट करते हैं तो ये वीकली रिपेल होते हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन भी है पैरामैग्नेटिक, तो इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये वीकली दे गेट वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक तो इनके पास क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक में कम होंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर और इसके अंदर होंगे लार्ज नंबर में तो ये क्या होते हैं स्ट्रांगली दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन डी है नॉन मैग्नेटिक तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होंगे जो कि दे वुड नेदर गेट अट्रैक्टेड नॉर गेट रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है मैग्नेटिक फील्ड का हमें गिवन है कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल का हम सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल दी एच थ्री रेडिकल इसका हम स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसे हम लिखते हैं सी एच थ्री रेडिकल इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया है इसके पास है वन टू थ्री थ्री बॉन्डिंग पेयर्स हैं। बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स है ईच बॉन्डिंग पेयर हैज टू इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन पर भी यहाँ पर भी टू टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे तो ये कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहा है? ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि पी ऑर्बिटल के अंदर है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स तो इसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है वन एस टू टू एस टू टू पी टू इसने यहाँ पर अगर हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए तो यहां पर आएगा टू एस टू एंड टू पी टू बट इसने बॉन्ड कितने फॉर्म किए है थ्री बॉन्ड फॉर्म किए इसका मतलब यहां पर थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एस और बैटिल के अंदर टू एस के अंदर ये एक टूपी और बैटिल के अंदर एक्साइट होकर चला जाएगा ये एक्साइटेड स्टेट वन टू तो यहां पर आ जाएंगे थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर जो कार्बन है ये थ्री बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर जो कार्बन है थ्री बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मतलब जो हाइड्रोजन है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन अपने एक एक थ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे जिनके साथ ये पेयरिंग करेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर एक एस और ऑर्बाइटल और टू पी ऑर्बाइटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और फॉर्म करते है एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड थ्री ऑर्बिटल्स थ्री एसपी टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म हुई है जिनके साथ पेयरिंग करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के वन वन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या रह गई है एक प्योर पी और बाइटल रह गई है प्योर पी और बाइटल जिसके अंदर है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये पी और के अंदर है और इसके पास सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये होता है पैरामैग्नेटिक इसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर